चलते हैं राहुल गांधी सदन में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कोई स्थगन प्रस्ताव को लिया जाएगा सर, प्रेसिडेंट सर, पार्लियामेंट से बनाता है वही प्रेसिडेंट होते हैं वेणुगोपाल जी सर, पार्लियामेंट से माननीय फिर उपराष्ट्र सभापति बता देंगे ये प्रेसिडेंट होते हैं ना साहब। रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए आपको बोलने दे रहे हैं आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे हैं लोग सर। पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है, और मानता हूँ कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें, यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। माननीय श्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा, श्री अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया, अब माननीय अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं, तो ऐसे करते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा, बीएससी करेगी। ओके अनुराग ठाकुर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस देंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके इस कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में नए सदस्य 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हैं, बहुत सारे पुराने भी आए हैं, नए वालों को भी और पुराने वालों को भी सदस्य चुनकर जो आए हैं संसद के सदस्य बने हैं, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 का ये चुनाव नीति नियत निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव है और जनता ने इस पर मोहर लगाई है। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई, देश का ये चुनाव ऐतिहासिक जनादेश
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महानुष्ठान पर मोहर है। देश को जरूरत थी एक स्थिर और निरंतर सरकार की, और देश ने एक स्थिर, निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। ये जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। ये जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। ये जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। ये जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। ये जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और मैं ही नहीं, अब तो दुनिया भर के अनेकों देशों ने सर्वोच्च सम्मान अपने देश का किसी को दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी को दिया है। मोदी जी कैसे नेता जिनको US कांग्रेस में एक बार नहीं, दो दो बार अपनी बात रखने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी अनेकों बातें, लेकिन ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता। इसके लिए तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और मोदी जी ने तो अपने जीवन का हर क्षण हर पल देश के लिए जिया है, माँ भारती के लिए जिया है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि हम सबको ज्ञात है कि 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो तब से लेकर अब तक 23 वर्षों में एक दिन की भी छुट्टी अपने लिए नहीं ली, अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अगर किसी के जीवन में दुख का क्षण आता है जब अपनी माँ से बिछड़ते हैं, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माताजी का स्वर्गवास हुआ तब भी उन्होंने उनकी चिता को अग्नि देने के बाद मात्र 2 घंटों के अंदर ही देश के लिए काम करना शुरू कर दिया, इससे बड़ा समर्पण भाव क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के दिल में जो गरीब और जरूरतमंद के लिए पीड़ा है, हमने वो कोविड के समय देखा है। उनकी नीतियों में, कार्यक्रमों में, सब में नजर आता है कि वो गरीब के लिए कितने चिंतित रहते हैं। और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को, अगर आप 2014 में देखें, मोदी जी जब सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद संसद आए तो पहला शीश कहीं पर झुकाया तो संसद की पहली सीढ़ी पर झुकाया, और दुनिया के इस महान लोकतंत्र को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नमन करते हुए अंदर आए, और अंदर आकर भी अगर शीश कहीं झुकाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर शीश झुकाकर। उन्हें कहा था मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि सारी योजनाएं उस दिशा में चली, और जो पुराने नारे देते थे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, इनके नारे ही रह गए, लेकिन मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो कोविड के समय हुआ, पिछले 100 वर्षों में दुनिया ने सबसे बड़ी त्रासदी तब देखी, भारत ने भी संकट को झेला, और मैं भी उस समय सरकार का हिस्सा था। और मुझे याद है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बात कही वो ये कहा कि देश के गरीब का थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, तो मोदी सरकार ने दिया है और आज वो देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। उस समय दुनिया भर में जो डिलीवरी मैकेनिज्म था वो रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देश के हर कोने तक अनाज पहुंचाया। वो बात अलग है, कुछ राज्यों में अपनी मोहर लगाकर लोगों ने वो सब काम किया। मैं एक और कहना चाहता हूं
कोविड के समय बहुत जरूरी था। प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जहान भी, और जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। जो पहले हमारे देश में होता था कि 40-40 साल दुनिया भर से वैक्सीन आती थी, इंपोर्ट करने में पुरानी सरकारें लगी रहती थी। आत्मनिर्भर भारत ये केवल सोच नहीं, ये केवल संकल्प नहीं, उसको सच करके दिखाया। भारत ने अपनी दो दो वैक्सीन को बनाया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। आज इस सदन में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो भारत की बनी वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भारत के लोगों ने वैक्सीन तो लगाई ही, दुनिया के 157 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम वैक्सीन मैत्री में किया तो हमारे भारत। तो सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, उससे पहले आप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं वायरल टॉप।